स्वागत है दोस्तों ताज़ा खबरों में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, ठगों का नया पैंतरा, डाक से कूपन भेज कार जीतने का लालच, फिर जीएसटी के नाम पर ठगी। लोन देने फर्जी कंपनी ने 20 दिनों तक लगाया कैंप, ठगों ने ठगी के लिए अब नया पैंतरा निकाला है। ठग अब तक मोबाइल पर लक्की ड्रॉ फंसने, एटीएम ब्लॉक होने, केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठगते आ रहे थे। लोग इस मामले में थोड़े जागरूक हुए तो अब ठगों ने नया पैंतरा निकाल लिया है। इस नए पैंतरे में ठग बाकायदा लोगों को उनके घरों पर पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर्ड पोस्ट डाक द्वारा स्क्रैच कूपन भेज रहे हैं। इस कूपन के साथ एक आयुर्वेदिक दवा कंपनी का जिक्र भी किया गया है और इसी कंपनी द्वारा लक्की स्क्रैच कार्ड दिए जाने की बात कही जाती है। इसके बाद जैसे ही लोग कार्ड को स्क्रैच कर रहे हैं तो इनाम में लोगों की कार फंस रही है। जब कूपन में दिए गए नंबर पर कॉल किया जाता है तो उस पर जीएसटी के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। नयामुंडा निवासी राजेश ने बताया कि उसे ऐसे ही एक कंपनी से पत्र और इसके साथ स्क्रैच कूपन मिला। कूपन को स्क्रैच करने पर उसमें स्विफ्ट कार इनाम में निकली। राजेश ने बताया कि जब उसने स्क्रैच कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल किया तो मुझे कंपनी की ओर से बताया गया कि मुझे इनाम में जो कार मिली है वो भुवनेश्वर में है और उसे जगदलपुर तक लाने पर काफी खर्च होगा। ऐसे में कंपनी वालों ने कहा कि मेरे खाते में 8 लाख नकद डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे जीएसटी के तौर पर 6,500 रुपए उनके खाते में डालने होंगे। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो कंपनी वालों ने रिस्पॉन्स देना ही छोड़ दिया। हालांकि राजेश ने इस मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की है। इधर एएसपी ओपी शर्मा ने इस मामले पर चर्चा करते हुए लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी इनाम के झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार ऐसे ठगों पर कार्रवाई कर रही है। अंबिकापुर गांधी स्टेडियम के पास फर्जी लोन कंपनी 20 दिन तक कैंप लगाकर लोगों को 50,000 से लाखों रुपए का लोन देने प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 3,000 की उगाही कर रही थी। सोशल मीडिया में इसकी खबर आने के बाद तहसीलदार ने एसडीएम के नेतृत्व में पहुंचकर कैंप में लगे पंडाल को जब्त किया, लेकिन तब तक वहां के कर्मचारी भाग गए थे।